नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज सारे देश में सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 593वां प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी तरह उड़ीसा के केंदुझर जिला के बड़बिल शहर में भी सिख समुदाय के भाइयों और बहनों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को पालन करते देखा गया। इस प्रकाश पर्व के अवसर पर बड़बिल के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान बड़बिल शहर में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन में शामिल वाहनों को भी फूलों से सजाया गया। कोरोना काल में बंद सभी धार्मिक आयोजन से पाबंदी हटने के बाद अब लोगों में हर पर्व त्योहार में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में शामिल सिख समुदाय की महिलाओं ने नगर कीर्तन से पूर्व सड़कों की साफ सफाई करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा से गुरु के विचारों को व्यक्त करती देखी। इस नगर कीर्तन शोभा यात्रा में हजारों सिख समुदाय के भाई और बहने शामिल हुए। इस दौरान जमशेदपुर से आए सिख समुदाय के युवाओं ने नगर कीर्तन में जबरदस्त करतब दिखाया। ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा पूरे बड़बिल शहर की परिक्रमा करते हुए गुरुद्वारा पहुंची, जिसके बाद गुरुद्वारा में लंगर का कार्यक्रम भी किया, जहां पर हर धर्म के लोगों ने एक साथ बैठकर लंगर का सेवन किया। आइए देखते हैं इस अवसर पर एकता का संदेश देते हुए सिख भाइयों ने क्या कुछ कहा। उड़ीसा के केंदुझर जिला बड़बिल से सज्जाद आलम की रिपोर्ट, R9 भारत। से थोड़ा परिचय दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ज्ञानी बूटा सिंह है, पंजाब से आए हैं यहाँ बड़बिल की धरती में, यहाँ गुरु नानक जयंती का को प्रोग्राम मनाने के लिए। आज गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व दिहाड़ा जो बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है, उस भारतवासियों को हम लाख लाख मुबारक, लाख लाख बधाइयां देते हैं। जो गुरु नानक देव जी का संदेश, जो गुरु नानक देव जी का स्नेहा है, पूरी दुनिया में है और मानता के लिए है। किरत करो नाम जपो और वंड के छको, ये गुरु नानक देव जी का संदेश है जो पूरी दुनिया में है। और हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी सब धर्मों के हैं और सब धर्मों को उनको मानना चाहिए। वो हिंदू भाई को भी, भाइयों को भी है, वो मुसलमान वीरों की भी है, वो सब धर्मों के साझे हैं। जैसे पानी है वो सब धर्मों का साझा है, धरती है सब धर्मों की साझी है, सूरज है सब धर्मों का साझा है। इसलिए गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव जी का संदेश सब धर्मों के लिए साझा उपदेश है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस R9 TV का, जो हमारी बात को पूरी दुनिया में भेज रहा है और सबको खुशियां बांट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोधा।